हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सासबहु कुकिंग में स्वागत है। आपने जलेबियाँ बहुत खाई होंगी, पर आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी, खस्ता कुरकुरी, एकदम हलवाई जैसी, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आइए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कुरकुरी हलवाई जैसी जलेबी। उसके लिए मैंने पहले इधर ले लिए है 250 ग्राम चीनी, और फिर जितनी चीनी है उतना ही पानी डाल दूंगी। इससे आप समझ ही होंगे मैं बनाने जा रही हूँ पहले चाशनी। अब चीनी 1 घंटे तक का वेट करना है। अब फ्रेंड्स, चीनी घुल चुकी है, इसमें मैं डाल दूंगी नींबू का रस। नींबू का रस डाल के चीनी साफ करने के लिए मैंने डाला है। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने बताया, नींबू का रस मैंने चीनी साफ करने के लिए डाला है, जैसे गंदगी आती जाएगी हटाते जाएंगे। इस रेसिपल्टे की सहायता से गंदगी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, चीनी साफ हो चुकी है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा कलर। मैं इसमें डाल रही हूँ लाल कलर, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर 1/2 स्पून, साथ ही साथ केसर के धागे, 4 से 5 केसर के धागे डाल दिए हैं। अब इसे पका लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये चाशनी तैयार हो चुकी है। ये चाशनी बिल्कुल वैसे तैयार करनी है जैसे मैंने गुलाब जामुन बनाए थे ना, उसमें जिस तरह से चाशनी तैयार की थी वैसे ही तैयार करनी है। गुलाब जामुन का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये देखिए, एक तरह की चाशनी। अब फ्रेंड्स, मैं जलेबी का घोल बनाना शुरू करती हूँ। उधर मैंने लिया 100 ग्राम मैदा, इसमें डाल दूंगी 25 ग्राम कॉर्नफ्लोर, इसमें मैं डाल दूंगी इनो, ये 5 ग्राम का जो पैकेट आता है ना वो डालना है, साथ ही साथ इसमें डाल दूंगी 10 ग्राम घी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इनो डालने से क्या होगा ना, इंस्टेंट खमीर आ जाएगा इसमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी किसने चाहिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया, इनो डालने से इंस्टेंट खमीर आ जाएगा इसमें। ये देख सकते हैं खमीर कितना अच्छे से उठ रहा है। अच्छे से चलाना है इसे, फेंटना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था, घोल तैयार करना है, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, केक वाली कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वही है। और फ्रेंड्स, पता है जलेबी मैं किस में बनाऊंगी? कैचअप वाली बोतल, सबके घर में होती है ना अवेलेबल, उसी में बनाऊंगी जलेबी। देखिए, बोतल में डाल लूंगी घोल। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने तेल भी गर्म करने रख दिया है। जलेबी के लिए अच्छा गर्म तेल चाहिए। बाकी तेल का किस तरह से सेकना है, कितना टाइम लगता है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जलेबी अच्छी गर्म तेल में डाल ली है, जैसे मैंने बताया था आपको। पर है ना, सेकते समय तेल ना मीडियम से कम पे होना चाहिए, और सेकने का टाइम है इसका 2 से 3 मिनट। और देख सकते हैं मेरी जलेबी कितने आसानी से बन रही है ना इससे। अब बनाने के बाद ना सीधे इसे ना चाशनी में डालना होगा, जो मैंने चाशनी तैयार की है ना उसमें। चाशनी मेरी हल्की सी गुनगुनी या फिर ठंडी होनी चाहिए, पर जलेबी एकदम गर्म होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसे सेकने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, और गैस हमारी मीडियम से कम पे होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आइए ना जलेबी एकदम हलवाई जैसी। और मैंने जैसे बताया था, गरम तेल कर लेना है अच्छे से पहले, और सेकते समय 2 से 3 मिनट लगेंगे, और जब आप सेकोगे आँच आपकी मध्यम से कम पर होनी चाहिए, तो आपकी एकदम करारी और अंदर से सॉफ्ट जलेबी आएंगी। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना, जो हर एक आपकी रेसिपी में बताती हूँ, डालते समय ना गैस तेज पर होनी चाहिए, बस सेकते समय मध्यम से कम पे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मेरी जलेबी सिक चुकी है। ये देख सकते हैं एकदम करारी जलेबी। अब इनको मैं सीधे डाल दूंगी चाशनी में, और हल्के हाथ से इन्हें टैप करते हुए नीचे डिबोना है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रही हूँ, एकदम हल्के हाथ से, और गरम गरम जलेबी फौरन डाल देनी है चाशनी में। वेट नहीं लगाना, एकदम हल्के हाथ से करना है। जब आप टैप करेंगे तभी इसमें चाशनी भरेगी। ये देख सकते हैं मैं कितने हल्के हाथ से इसे प्रेस कर रही हूँ, और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए रखना है, और फिर इसे निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ जलेबी को एकदम, आप देख सकते हैं मेरी कितनी मस्त जलेबी बनी है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ,
आपको डालते समय भी ध्यान रखना है, एकदम गर्म जलेबी डालनी चाहिए और साथ ही साथ टैप करते समय ध्यान रखें एकदम हल्के हाथ से टैप करना है और ज़्यादा देर रखना नहीं है। आपने देखा मैंने कितने कम समय के लिए रखा है। और जलेबी देखिए एकदम मार्केट जैसे। इसी तरीके से दूसरा गांठ भी सेक लूँगी। और फ्रेंड्स आपने देखा किससे बना रही हूँ मैं, कैचअप वाली बोतल से, है ना कितनी आसानी से बन गई और कोई टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा। और प्रोसेस इसका सेम है, गरम तेल में डालना है इसको, तेल अच्छा गरम भी होना चाहिए। पर सेकते समय ध्यान रखें मध्यम से कम गैस पे और सेकने का समय है 2 से 3 मिनट। और ये देखिए फ्रेंड्स इस बार मैंने लड़ी वाली बनाई है, थोड़ी अक्सर हलवाई वाले बनाते ना जो लड़ी वाली थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी, वैसी बनाई है। आप जिस तरीके से जलेबी बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। घर पर सबकी अवेलेबल होती है ये टमाटो सॉस वाली केचप वाली पोटल, आप उसी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी हलवाई जैसी जलेबी, इसका गोल बनाना कितना आसान है आपने देखा, कुछ ही मिनटों का काम है। साथ ही साथ चाशनी, आपने गुलाब जामुन मेरे बनते हुए देखे ना वैसी चाशनी बनानी है, उसमें भी ज़्यादा समय लगता नहीं है। आपने देखा घर पे मौजूद सामान ही होते हैं, सब जो मैंने बताया सामान वो सब घर पे मौजूद होते हैं। सब लोग सोचते हैं जलेबी बनाना कितना मुश्किल है, देखिए मेरी रेसिपी किसे बनाइए एकदम परफेक्ट जलेबी बनेगी। कलर कितना अच्छा है, लुक कितना अच्छा है, टेस्टी भी उतनी है। आप बनाइएंगे खाइएगा आपको पता चलेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगी जलेबी। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने पहले काम छोड़ा था उसी तरीके से मैं बाकी की भी जलेबी बना लूँगी। बस फ्रेंड्स सीखते समय प्रोसेस और स्टेप्स का ध्यान रखना। फ्रेंड्स डालते समय का मैं फिर से बता रही हूँ आपको, एकदम गर्म जलेबी जैसे देखा आपने मैं डाली, एकदम हल्के हाथ से टैप कर रही हूँ उसको ताकि अच्छे से चाशनी में डूब जाए। अगर टैप नहीं करेंगे तो चाशनी पीक नहीं पाएगी ये। और ज़्यादा समय ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, डालने के बाद 1 मिनट मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स तक ही आप रखेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए मैंने कुछ ही सेकंड रखा है और निकाल लूँगी। और देखिए हो गई ना जलेबी तैयार। और फ्रेंड्स चाशनी का भी ध्यान रखें, चाशनी गर्म नहीं चाहिए इसके लिए, चाशनी ठंडी से ही गुनगुनी चाहिए। देखिए हलवाई जैसी जलेबी कैचअप की बोतल के साथ, और जो स्टेप्स बताएँ याद करते हुए बनाइएगा तो आपकी परफेक्ट जलेबी बनेगी। और फ्रेंड्स कुछ टफ नहीं है इसमें बनाने का, बस मेरी रेसिपी को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी गर्मा गर्म केसरी जलेबी तैयार है, इंस्टेंट जलेबी भी बोल सकते हैं क्योंकि आपने देखा मैंने कितनी जल्दी कितनी आसानी से बना ली। और देखिए है ना करारी, अंदर से रस भरा हुआ, साथ ही साथ कलर एकदम केसरी कलर, और साथ ही साथ देख सकते हैं एकदम हलवाई जैसी जलेबी, साथ ही साथ कितनी कुरकुरी और साथ में खस्ता भी। ये देखिए ऐसी जलेबी बनाने के लिए और ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए, इंस्टेंट रेसिपीज और साथ ही साथ टेस्टी और साथ ही साथ एकदम जल्दी बनाने वाली रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ रेसिपीज नई नई शेयर करते रहूँगी।